और लोगों के बीच केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन ऑफिशियल। दोस्तों आज बरौली अहरौली हम लोग आए हैं जग देखने के लिए। देखिए यहाँ पर सर से बात विचार कर रहे हैं कुछ, आइए आप लोग को भी दिखा रहे हैं। सर से थोड़ा पूछ ले, जग कब तक चलेगा? पास हो जाएगी और देख रहे हैं कल योगी आएंगे, वैसे तो हम लोग रात को निकल जाएंगे अपने घर। चलिए दोस्तों आइए आप लोग को, सर से बात तो हो गई हम लोग की और आइए दिखा रहे हैं आप लोग को। और एक बाबा आए हैं अपना भजन भाव सुना रहे हैं, आइए देख लीजिए। सीढ़ी पर है अभी, सामने से आप लोग को आगे चल कर दिखा रहे हैं। गड़गड़ी आ रहे हैं आप लोग को भी दिखा रहे हैं लाइव, ये देखिए जग का पूरा सीन। टाइम इस समय हो गया है 3:15 हो रहा है, अभी 15 मिनट में आ जाएंगे, आप लोग को दिखा रहे हैं अच्छे से। और लोगों के बीच केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। लाइट में जो भी है अविलंब व्यवस्था कराइए। बिजली वाले आप धीरे धीरे करके उधर घर बैठने की समय पर लाइटें।
कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप मंच अपने लिए जो खोजित स्थान है वहां बैठने की कृपा करें। ये चार जो कुर्सियां हैं आज के हमारे अतिथि और सम्राट चौधरी जी ऐसा बैठने की व्यवस्था कराई जाए। कृपया मंच पर जितने लोग भी अपेक्षित हैं केवल वही रहेंगे, बाकी सभी लोग पीछे चले जाएं। मंच पर अपेक्षित लोग बाकी बैठने का जिनका बना हुआ है पूर्व से वही बैठेंगे और कृपया मंच को खाली कर देंगे। यहाँ कार्यक्रम सुव्यवस्थित चलाने के लिए अभी हमारे महान संत यहाँ पर आने वाले हैं। आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम को विधि पूर्वक चलाने दिया जाए, इसलिए सभी से आग्रह करता हूँ कि मंचीय व्यवस्था में जो लोग नहीं लगे हैं वो मंच को छोड़ दें। अभी यहाँ पर कई गणमान्य विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जैसे ही हमारे महान संत यहाँ पर मंच हो जाएंगे, डियर स्वामी जी महाराज आने वाले हैं। डियर स्वामी जी महाराज की, डियर स्वामी जी महाराज हमारे बीच, उनका आगमन हो गया। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग नीचे अपना स्थान ग्रहण कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यवस्था हम लोगों ने ही बनाया है, हम लोग आराम से नीचे बैठ करके कार्यक्रम देखेंगे। जय स्वामी जी महाराज की। कृपया मंच को कृपया खाली करेंगे, अव्यवस्था नहीं बनाए। हमारे महान संतगण यहाँ पर पधार चुके हैं, उनका आगमन हो गया है। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच की व्यवस्था को आप लोग इस तरह से, सभी लोग से आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर जिनकी व्यवस्था नहीं है वो मंच को छोड़ दे, खाली कर दो। बोलिए प्रेम से जी हर स्वामी जी महाराज की जय। जी हर स्वामी जी महाराज की जय। श्री गडकरी जी ने अभी अभिवादन किया, उनका आशीर्वाद लिया जी हर स्वामी जी का, एक केरल के राजा। और हमारे दो और महिषी विभूति हमारे संतगण यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ अनंताचार्य जी महाराज को हमारे कार्यकर्तागण लेकर के सम्मान अभिनव से। अभी यहाँ पर जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज भी, उनका भी आगमन हो रहा है। इस बीच में आग्रह करूंगा अपने आगंतुक हमारे अतिथिगण का स्वागत करें। और माननीय मंत्री श्री चौबे से आग्रह करूंगा कि अंग वस्त्र देकर के हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, आपके दो हाथ एक साथ ताली के रूप में, और साथ ही हमारे राज्यपाल केरल श्री आरिफ मोहम्मद जी, उनका भी अभिवादन हो रहा है। दोनों कर्तव्य धोनी से दोनों हाथों से ताली बजा करके श्री जी एस स्वामी जी के आशीर्वाद लेने के उपरांत हमारे अतिथिगण यहां पर मंच है। ये स्मृति चिन्ह जो है वो भी दिया जा रहा है, और राम जी का दरबार जो है वो भी दिया जा रहा है। एक बार ताली बजा करके अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का सम्मान शॉल दे करके, जय
नितिन भाई का ये सम्मान हो रहा है दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। ये स्मृति चिन्ह है जिसमें राम कर्मभूमि का स्मृति चिन्ह और राम दरबार भगवान राम का पादुका भी है उसमें। श्री अनंताचार्य स्वामी की जय। श्री अनंताचार्य स्वामी जी भी यहाँ पे आ गए हैं, जगत अनंताचार्य स्वामी जी। और यहाँ पर हमारे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का सम्मान करते हुए, इसके बाद हमारे विधान परिषद के सम्मानीय विपक्ष के नेता श्री सम्राट चौधरी जी का सम्मान करते हुए, हमें आग्रह करता अरुण मिश्रा जी से कि आप सम्मान करें हमारे सम्राट चौधरी जी जो नेता हैं विपक्ष के, उनका सम्मान करें। कृपया सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन है, प्रार्थना है कि कृपया मंच के पीछे आप लोग सभी लोग सब सम्मान आ जाए। यहां पर ये संतों का मंच है। मैं आग्रह करता हूं कपिल खन्ना जी का अभिवादन कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रांत के। इसके बाद हमारे श्री नागेंद्रनाथ त्रिपाठी जी का जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हमारे हैं श्री पति राय जी, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। और आप कृपया सामने से जगह छोड़ दें, प्रदीप राय जी हमारे भीकू भाई तलसानिया जी हमारे संगठन मंत्री बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत कर रहे हैं। रामबालक प्रसाद जी, अभिजीत कश्यप जी और परशुराम चतुर्वेदी जी। इसके साथ ही कृपया सामने से जगह छोड़ दे थोड़ा। मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से एक बार सभी आगंतुक अतिथियोंगण का हमारे स्वामी श्री जीयर स्वामी जी के आशीर्वाद उपरांत सभी का कर्तव्य ध्वनि से एक बार सभी लोगों का स्वागत कर दे। बक्सर की तमाम हमारे यहाँ पर जो श्रद्धालुगण आए हैं वो हमारे श्री नितिन भाई को सुनना भी चाहते हैं। बक्सर के लिए उन्होंने जो आज किया है वो हम सभी लोगों को याद रहेगा। मैं अब सीधे मंच हमारे संचालन करता और इस राम कर्मभूमि न्यास के अध्यक्ष श्री कृष्णकांत ओझा जी को देता हूँ विधिवत समय। गडकरी जी को फिर जाना भी है, आप उसको राम कर्म क्षेत्र महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत है। केरल के राज्यपाल आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब भगवान श्री राम के इस प्रथम कर्म भूमि प्रथम रण भूमि पर आए हैं। आप वेद उपनिषद वेदांत इन सारे ग्रंथों का अध्ययन करने वाले और उस पर एक आधिकारिक तौर पर अपनी बात रखने वाले, भारत की संस्कृति को समझने वाले, ऐसा कहें कि भारत की संस्कृति के प्रवक्ता के तौर पर आप जाने जाते हैं। आपका इस समारोह में अभिनंदन है। यह आध्यात्मिक समारोह है और सांस्कृतिक समारोह भी है। भगवान श्री राम की प्रथम कर्म भूमि, भगवान श्री राम का जन्म स्थान अब अपने गौरव को प्राप्त हो चुका है। अब हमारा अभियान चलने वाला है मुझमें राम के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भगवान श्री राम की मर्यादा को स्थापित करना, प्रत्येक व्यक्ति के मन मंदिर में, हृदय में, मस्तिष्क में स्थापित करना, ताकि उसके व्यवहार से भगवान श्री राम की मर्यादा दिखाई पड़े, स्पष्ट हो, व्यवहार में उतरे। और इसी संकल्प के साथ भगवान श्री राम के प्रथम कर्म भूमि सिद्धाश्रम बक्सर से इस विराट आयोजन के माध्यम से एक अभियान चलने वाला है। इस अभियान का शुभारंभ परम पूज्य
सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने किया है। अब मैं निवेदन करता हूं, जो ये परिकल्पना जो दिखाई पड़ रही है श्री राम कर्मभूमि न्यास के माध्यम से, मुझमें राम जो अभियान चलने वाला है उसके कल्पक, उसकी कल्पना करने वाले और उसको जमीन पर उतारने के लिए रात दिन परिश्रम करके इसको एक आकार देने वाले, साकार करने वाले ऐसे आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से निवेदन है कि आप यहाँ आए। स्वागत करने के साथ साथ हमारे अपने इस अभियान के बारे में, इस कर्म क्षेत्र भगवान श्री राम के प्रथम कर्म भूमि, प्रथम रण भूमि के बारे में प्रकाश डालें। आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, श्रद्धेय जीव स्वामी जी महाराज के सानिध्य में और हम सब लोगों के अधिष्ठाता जो श्री राम कर्मभूमि न्यास के संस्थापक संरक्षक ऐसे स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, साथ ही का वर्णन करता हूँ कि केवल एक चिट्ठी पा करके उन्होंने यहाँ आने का बहुत यत्न किया, स्वयं उन्होंने मुझे वहां से टेलीफोन किया, ये बहुत बड़ी कृपा है। आज देश के ऐसे एक आज 600 से भी ज्यादा करोड़ की राशि का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, अभी उन्होंने वहां भी संबोधन में कहा है, उनके मुखारविंद से सुनेंगे। साथ ही आज जो उन्होंने ये यात्रा यहाँ लाया, मैंने जैसे कहा बोला चौबे जी आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं आऊंगा और केवल ऐसे नहीं आऊंगा, मैं सौगात लेकर के आऊंगा, मैं सौगात लेकर जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ हमारे विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में ऐसे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं देश के जाने माने विकास के, ऐसे श्री नितिन गडकरी जी का बक्सर सिद्धाश्रम की धरती पर राम भगवान राम की प्रथम कर्म भूमि पर भगवान विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र के इस तपो भूमि पर यहाँ देखे हुए हमारे प्रिय पुत्रवत भी हैं, आशीर्वाद भी देता हूँ। ऐसे श्री सम्राट चौधरी जो हमारे विपक्ष के नेता है विधान धर्म परिषद के, साथ ही हमारे कपिल जी इस कपिल धाम में आए जो बहुत ही विश्व हिंदू परिषद के और पूरे राष्ट्र को इन्होंने जो हर तरह से पूरे परिवार ने पूरे इनके द्वारा जो सेवा का समर्पण का भाव है, श्री कपिल जी दिल्ली से चल करके, हम कपिल खन्ना जी दिल्ली से चल करके इस कुंभ में आए हैं। हम सब लोगों के पूर्व परिचित श्री नागेंद्र जी जिन्होंने संगठन को, बिहार के संगठन को एक सूत्र में बांधने का वर्षों से काम किया और आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो बिहार और झारखंड के आप संगठन मंत्री के रूप में श्री नागेंद्र जी, साथ ही हमारे बगल में श्री भीखू भाई लेने आए जो स्वामी महाराज जी से आशीर्वाद लेने आए, हमारे स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज और स्वामी भरद्वाचार्य जी, कृपया मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें, बक्सर वासियों, पूरे सहाबाद वासियों, बिहार वासियों, बिहार के लिए और देश के लिए जो इन्होंने विकास की फुलझड़ी बहा है उसके लिए कोटि सा धन्यवाद। बोलो भारत माता के, भारत माता के, ये अभियान चला है मुझमें राम, जय श्री राम, मुझमें राम, जय श्री राम, मुझमें राम, जय श्री राम, जोरदार दोनों हाथ उठा के अभिनंदन, मुझमें राम, जय श्री राम। पर 4:20 के पहले मुझे उठना आवश्यक है क्योंकि सूर्यास्त होने के पहले वाराणसी में उतरना है, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। इसलिए फिर से एक बार आदरणीय गवर्नर साहब के, साधु संतों के, मंच पर अभी सभी अतिथियों के, अश्विनी जी की क्षमा मांगता हूँ, आप सब की क्षमा मांगता हूँ। भगवान आप सबका प्रभु रामचंद्र कल्याण करे, आप सबको आशीर्वाद दे, आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो, हमारा देश भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त हो, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान एक राम राज्य के
श्री राम जहां जहां चरण पड़े स्वामी राम भद्रा अवतार जी महाराज आ रहे हैं और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय श्री आरिफ ये दोस्तों तो नितिन गडकरी जी चले गए हैं, आप लोग देखिए और वीडियो, और इसी तरह आप लोग को वीडियो हम दिखाते रहेंगे।